Role of international bodies with respect to persons with disabilities. तो इसके अंदर हम देखेंगे जो UNCRPD एक्ट है 2006 की, उसके बारे में वो स्पेशल जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके रिगार्डिंग क्या क्या बातें करते हैं और कैसे इसका गठन हुआ। तो सबसे पहले UNCRPD की फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। तो ये फुल फॉर्म होगी। UNCRPD इज़ एन इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी द सेम ह्यूमन राइट्स दैट एवरीवन एल्स इंजॉय। जो UNCRPD है वो एक इंस्ट्रूमेंट है या इंटरनेशनल की कोई भी बॉडी है जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं उन्हें सेम ह्यूमन राइट्स दिलवाता है जो कि नॉर्मल व्यक्ति को मिलती हैं। इट मार्क्स रेडिकल शिफ्ट इन डिटेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। जो क्या आता है UNCRPD है, इसने क्या करा, सबसे पहले तो एक जो डिसेबिलिटीज़ को डिफ़ाइन करने की चीज़ें थी उनको बदला और साथ साथ में डिसेबिलिटी को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी पहुंचाई। इट मूव्स फ्रॉम मेडिकल सोशल प्रस्पेक्टिव, जो मेडिकल या सोशल प्रस्पेक्टिव था उसको चेंज करके ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच को यूज़ करा गया। जो पहले डिसेबिलिटी होती थी उसको जनरली आप मेडिकल में या सोसाइटी वगैरह में यूज़ करते थे, पर इसने क्या करा UNCRPD ने कि इसको मूव करके चेंज करके ह्यूमन राइट्स बेस्ड को अप्रोच करा, मतलब कि जो कि डिसेबल्ड व्यक्ति थे उनको भी ह्यूमन राइट्स को दिलवाया। नेक्स्ट इज जो UNCRPD है उसका गठन कब हुआ। तो सबसे पहले ये एक्ट 2006 में फाइनल हो गई थी, मतलब बन गई थी, और उसके बाद 2007 के अंदर इसके अंदर ओपन सिग्नेचर्स हुए थे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ की, और एक इन्होंने रिकॉर्ड नंबर ऑफ सिग्नेचर हुए थे UN ट्रीटी पे, और ये 2008 से लागू हो गई थी। नेक्स्ट इज़ कि UNCRPD लाने का क्या मेन रीज़न था, ऐसी क्या कमियाँ थी पहले जो कि UNCRPD ने आके पूरी करी। सबसे पहले जो UN है उसने 1981 से 92 तक इसे एक डिकेड ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी घोषित कर दिया। फिर उसके बाद 1982 के अंदर ही वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन कंसर्निंग डिसेबल्ड पीपल को स्टार्ट करा गया। फिर उसके बाद 93 के अंदर एक स्टैंडर्ड रूल्स ऑन इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिसेबल्ड पीपल। फिर उसके बाद 93 के अंदर रूल्स और स्टैंडर्ड्स बनाए गए जिससे कि जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं या पर्सनस हैं उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले हर फील्ड के अंदर। पर जो ये 93 वाली थी ये मतलब ब्रिटेन में तो एक एक्ट या फिर कानून की तरह काम करी थी, पर फील्ड वर्क इसमें नहीं हो पा रहा था, इस वजह से हमें UNCRPD को लाने की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट इज़ रीज़न फॉर UNCRPD, मतलब उसको लाने के क्या मेन कॉजेज थे। सबसे पहले इनविजिबिलिटी ऑफ डिसेबल्ड पीपल इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एक्शन। जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो भी एक्शंस थे या प्लान्स थे उसके अंदर हमने देखा गया कि उसके अंदर कोई डिसेबल्ड व्यक्ति थे ही नहीं, जिससे कि अगर डिसेबल्ड व्यक्ति नहीं होगा तो उनकी कोई नीड वगैरह को इतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा एक नॉर्मल व्यक्ति जितना एक डिसेबल्ड पर्सन ही समझ पाएगा। तो इस वजह से जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो प्लान्स होते हैं उनके अंदर डिसेबल्ड पर्सनस को इंक्लूड करा गया। फिर डिसेबल्ड पीपल हैव सेम राइट्स बट रेयरली मेंशन। डिसेबल्ड पर्सन जो थे उनके पास राइट्स तो सेम होती थी जो नॉर्मल व्यक्ति के पास होती थी, पर वो रेयरली कहीं मेंशनड होती थी, कहीं कहीं मिलती थी उन्हें। फिर था मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स लार्जली इग्नोर्ड डिसेबल्ड पीपल। जो भी हमारे सेंसेस वगैरह होते थे उसके अंदर जो पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ थे उनको हमेशा या फिर इग्नोर करा गया बहुत बड़े मार्जिन नंबर पर, जिसकी वजह से जो कि सही जो आंकड़ा नहीं आ पाता था लोगों का। फिर जो 1993 में जो स्टैंडर्ड रूल्स बनाए गए थे डिसेबल्ड के लिए वो लीगली बाइंडिंग ऑन एनी कंट्री, मतलब बहुत ही कोई रेयरली कोई कंट्री थी जिसके अंदर वो लागू हो रहे थे, वो सिर्फ एक रिटन नोट्स पे थे। इम्पोर्टेंस क्या थे UNCRPD के, सबसे पहले तो इसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वो कौन थे, डिसेबल्ड पीपल थे। नेक्स्ट इज इसके सोशल मॉडल बेस्ड था, इट्स नॉट आर मेडिकल कंडीशन दैट लिमिट्स अस। इसके अंदर क्या था कि जो लोगों की मेडिकल कंडीशन है वो लिमिट नहीं करती या हमें डिफाइन नहीं करती, बल्कि इट इज़ द इन्वायरमेंट, जो हमारे को इन्वायरमेंट मिला है, जो एटीट्यूशनल बैरियर्स है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, वो हमें डिस्टिंग करती है। इसका मतलब क्या है, एक नॉर्मल पर्सन है और एक डिसेबल्ड है, इसको तो इन्वायरमेंट सही मिलेगा,
सही लोग मिले, कोई बैरियर नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो ये तो वैसे भी नॉर्मल है। पर जो डिसेबल्ड व्यक्ति है उसकी मेडिकल कंडीशन उन्हें अलग नहीं बनाती, बल्कि जो उनके एनवायरनमेंट में बैरियर्स मिलते हैं, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो लोगों का एटीट्यूड होता है उनकी तरफ, ये इन्हें नॉर्मल व्यक्तियों से डिस्टिंग करते हैं, ना कि इनकी कोई मेडिकल कंडीशन। फिर लीगली बाइंडिंग करना गया, सेट द स्टैंडर्ड, इन्होंने स्टैंडर्ड सेट करे कि जो नॉर्मल व्यक्ति है उन्हें क्या मिलना चाहिए और डिसेबल्ड को क्या मिलना चाहिए। और इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा था, सब में इक्वल कर दिया था, डिसेबल्ड को और जो नॉर्मल बच्चा होता उन्हें भी। डिसेबल्ड पीपल इंक्लूडेड इन ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स के बड़े बड़े प्रोग्राम्स थे, उनकी जो एजेंसीज थी, उनके जो सेंसेस को कलेक्ट करते थे, तो उनके अंदर डिसेबल्ड व्यक्तियों को इंक्लूड करा गया, ताकि वो अच्छे से समझ पाए या एक्सप्रेस कर पाए कि लोगों को क्या कमी है डिसेबल्ड को और क्या उनकी नीड्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ UNCRPD, जो UNCRPD है उसके क्या क्या प्रिंसिपल थे। सबसे पहले था रिस्पेक्ट फॉर कंट्रोल, चॉइस एंड डिग्निटी। जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए बच्चों की चॉइस के अंदर, उनकी डिग्निटी हर्ट ना हो, कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, फुल पार्टिसिपेशन हो पर्सन्स विद डिसेबल्ड का हर एक सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशनल हो, मिलिट्री हो, जहाँ तक भी उनकी नीड हो, तो अपना कैपेबल हो उन्हें तक वहाँ तक पहुँचने के लिए, सब में इक्वल पार्टिसिपेशन हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ना हो। रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस, जो भी उनके अंदर डिफरेंस है नॉर्मल व्यक्तियों से, उसके प्रति जो नॉर्मल व्यक्ति है उनको ये नहीं है कोई मतलब ऐसे गाली गलौज ना करें, उनको रिस्पेक्ट हो कि हाँ भाई कि इनके अंदर ये कमी है पर ये फिर भी इतना कुछ अच्छे से अचीव कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनके अंदर रिस्पेक्ट हो पर्सन विद डिसेबल्ड के प्रति। इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे फील्ड में स्पोर्ट्स में हो, सब कुछ। फिर है उसके बाद एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी क्या है, कहीं पे भी जाए हम, सब कुछ बच्चा एसेस कर पाए, मतलब जैसे बस में चढ़ पाए, रैंप्स होने चाहिए स्कूल्स के अंदर, बस के अंदर लोवरिंग ऑन वन साइड होनी चाहिए, उसमें भी रैंप्स हो सकते हैं, ताकि जो डिसेबल्ड व्यक्ति भी चढ़ पाए आराम से, और भी बहुत कुछ। और साथ साथ इसमें वुमेन की इक्वल राइट्स को भी वो करा गया कि जो मैन और वुमेन है उन्हें इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, फुल पार्टिसिपेशन हो वुमेन्स का भी। और रिस्पेक्ट फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उसके अंदर, उनके अंदर भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अगर क्योंकि अगर किसी डिसेबल्ड बच्चे के साथ चाइल्डहुड से ही डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मेंटल लेवल पे उसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर वगैरह होने लग सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट्स इन UNCRPD, जो चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटी उनके किस किस राइट्स को UNCRPD ने अच्छे से एक्सप्रेस कराया, बताया या लागू करा। इसमें सबसे पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो मतलब लॉ के अंदर है उसके अंदर सबको इक्वालिटी हो चाहे, और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो डिसेबल्ड के साथ। फिर दैट इज नेक्स्ट इज राइट टू लाइफ, उन्हें जीने का, लिबर्टी और सिक्योरिटी ऑफ पर्सन्स का राइट्स मिले डिसेबल्ड को। फिर इक्वल रिकॉग्निशन बिफोर द लॉ एंड लीगल कैपेसिटी, जो कि लॉ के अंदर है नॉर्मल या स्पेशल बच्चों को, दोनों को ही इक्वल रिकॉग्निशन मिले। ये नहीं कि अगर सेम रिलेटेड केस एक नॉर्मल बच्चा लेके आया और एक स्पेशल लेके आया, तो पहले नॉर्मल वाले का केस की हियरिंग हो, दोनों की इक्वल लेवल पे हियरिंग होनी चाहिए, कोई इसमें लॉ के सामने कोई भी भेदभाव ना हो। फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, जो बच्चों को टॉर्चर करा जाता था उससे मुक्त करा जाए। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लोइटेशन, वॉयलेंस एंड अब्यूज़, जो डिसेबल्ड व्यक्तियों के साथ या बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उन्हें एक्सप्लोइट करा जाता था या अब्यूज़ करा जाता था, वो ना हो। राइट टू रिस्पेक्ट फिजिकल एंड मेंटल इंटीग्रिटी, बच्चों के अंदर रिस्पेक्ट सिखानी चाहिए फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे, दोनों पे भी, जिससे कि वो डिसेबल्ड व्यक्तियों के साथ अच्छे से व्यवहार कर सके। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड नेशनलिटी, उनकी अपनी मूवमेंट इधर उधर जाने के लिए और अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करने के लिए फ्रीडम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज राइट टू लिव इन द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है उसके अंदर जीने का उनको फुली अधिकार मिलना चाहिए, जितना कि एक नॉर्मल व्यक्ति को मिलता है।